ये जो बच्चे हैं ये बहुत ही खास और बहुत ही प्रीशियस होता है इनका ये उम्र, जिसे हम किसी न किसी तरीके से मेमोरेबल बनाते हैं। KVCL के चार वेला क्रिएटिव लाइफ। आज मैं यहाँ आप लोगों से 3 या कह लीजिए 4 मेथड शेयर करने वाली हूँ, जहाँ पे आप इन बच्चों के किसी भी स्टेज को बहुत ही खास बना सकते हैं। और इनके हर एक स्टेज बहुत ही प्रीसियस होता है, बहुत ही खास होता है हमारे लाइफ में, फिर बच्चे चाहे बड़े हों या छोटे हों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं इन खास खास मेमोरेबल पीसेस को, मेमोरेबल मेमोरीज को, जो हमारे लाइफ में बहुत ही अच्छी और खास जगह देने वाली है। पहली टेक्निक यानी कि छापा, यानी कि खातों में कलर लगाना और पेपर पे प्रेस करना, कुछ इस तरह से। देख रहे, ये मेरे बच्चों का है, ये बहुत पुराना है, ये आज का नहीं है, ये 15-16 साल पुराना हो चुका है। तो ये टेक्निक बहुत टाइम से चली आ रही है, आज भी ये की जाती है। सिंपल सा, इसे आप कलर लगाइए हाथों में, कोई भी कलर, कोई भी रंग आप लगा के, या 2-3 शेड में आप बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने बच्चों का 2-3 शेड में बनाया था, आप भी इस तरह से कर सकते हैं, ये अच्छे लगते हैं। ये है क्ले जिसे बच्चे खेलते हैं, ये वो वाली क्ले है, सॉफ्ट होती है, काफ़ी सेफ होती है, और इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है। मैंने क्या किया, जब मैंने मिक्स करके रखा और इम्प्रेशन वगैरह सब ले लिया था, बच्चे कहीं से कुछ खेल रहे थे, उनको दिखा और वो गेम खेल डाले इसका, तो मुझे फिर से क्ले लानी पड़ी और फिर से मैंने इसे मिक्स किया और फिर यहाँ मैंने दोबारा से इम्प्रेशन लिया है। और इम्प्रेशन कुछ इस तरह से लेना है, खूब उसको, मतलब बच्चे का जो पैर है बेबी का, उसको अच्छे से प्रेस करिए खूब टाइटली, और कोशिश कीजिए जब बेबी सोए तभी आप इम्प्रेशन लीजिए। तो देख रहे हैं किस तरह से लेना है, गहराई काफ़ी अच्छी रखनी है, काफ़ी प्रेस कर करके उनका ले लीजिए, लाइनिंग्स वगैरह सब बहुत अच्छे से बन के आ जाएगी। चारों तरफ से थोड़ा सा आप उसको उठा दीजिए तो POP डालते समय ये बाहर नहीं निकलेगी। मैंने हल्का सा यहाँ पे ऑयल लगा दिया है और नीचे फ्लैट सरफेस एरिया रखना है कि आप एज इट इज़ ऐसे उठा के कहीं भी रख सकें। तो मैंने एक नीचे प्लेट ले ली है और उसी पे ये दोनों मोल्ड रखूँगी और अब इसमें POP फिल करेंगे। डैब डैब कर देना है जिससे कि वही बबल्स ना रह जाए, खूब अच्छे से फिल करिए, एक्स्ट्रा मत भरिए, नहीं यहाँ वहाँ गिरेगा, बाद में फिर उसको रेगमार पेपर से क्लीन करना पड़ेगा, तो जितना हो उतना ही फिल करिए और एक जगह रखे रहने दीजिए। कम से कम 2 दिन तक फिर इसे आप मत छूइए। जब ये सूख जाएगा, सूखने के बाद इसको धीरे धीरे उस मोल्ड में से निकालिए, बहुत अच्छे से निकल के आएगा, क्लीन हो जाएगा पूरा। आप चाहे तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं और मन करे तो इसे खूब अच्छे से कलर कर दीजिए, फ़ोटोज़ के साथ इसे पेस्ट कर दीजिए, जितने भी बच्चों की फ़ोटो हो, बहुत सुंदर लगने लगता है जब ये पेंट हो जाता है। थर्ड मेथड, यहाँ मैं गेहूं के आटे का यूज़ कर रही हूँ। अगर क्ले नहीं है तो क्या करना है, गेहूं का आटा ले लीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए, यानी एक कटोरी अगर आटा है तो एक ही कटोरी नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए मोयन के लिए, थोड़ा सॉफ्ट रहता है। नमक जो है वो इसको मॉइस्चर का काम करेगा और ऑयल थोड़ा सा आटे में ग्रीस का काम करेगा। इसको कुछ गोल शेप में इस तरह से बेल लीजिए पूरा और फिर उसमें खूब दबा के इम्प्रेशन ले लीजिए, खूब अच्छे से लेना है, दबा दबा के करिए जिससे गहराई खूब अच्छी आ जाए, लाइनिंग्स काफ़ी अच्छे से आ जाए, कुछ इस तरह से। अब चारों तरफ से इसको थोड़ा थोड़ा सा उठा देंगे कि जब हम POP डालें तो बाहर की तरफ ना निकल के जाए। आटे की जगह मैदे का भी यूज़ किया जा सकता है। देखने के बाद कहीं ना कहीं आप लोग के मन में भी कुछ ना कुछ आइडिया आ रहा होगा कि हाँ चलो हम भी अपने बच्चों का ऐसे करते। एंड दिस इज द फाइनल लुक। फोर्थ मेथड, ये रेडीमेड मोल्डिंग पाउडर है जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन सब पे मिलता है। ये ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं ये मोल्डिंग पाउडर है और दूसरा वाला POP है। तो मोल्डिंग पाउडर को हमें एक जिसमें भी हमें इम्प्रेशन लेना है, गहरा बॉल ले लीजिए, आप उसमें पानी डाल के मिक्स करिए और काफ़ी जल्दी जल्दी इसे करना है, खूब अच्छे से मिक्स करिए, कोई लम्ब ना रह जाए, कुछ ऐसे। अब बेबी सो रहा है तो मैंने बहुत आराम से उसमें इसके दोनों हाथों का इम्प्रेशन लिया है,
5 से 10 मिनट इसमें रखे रहना है उसके हाथ को। धीरे धीरे जब ये 5-6 मिनट जब रखेंगे ना, तो अपने आप धीरे धीरे ये निकलने लगेगा। तो स्लोली स्लोली आप उसमें हाथ निकाल दीजिए और फिर उसके बाद बेबी का अच्छे से हैंड को क्लीन कर दीजिए। और अब मैं POP मिक्स करूंगी और जो मैंने इसका इम्प्रेशन लिया हुआ है मोल्ड में, उसमें इसको डाल देंगे। डैप कर देना है कि अंदर साइड में कभी कोई बबल ना दिखे उसमें। अब इसे 4-5 घंटे छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद फिर इसको धीरे धीरे बहुत ही ध्यान से इसमें से आप पूरे को निकाल दीजिए मोल्ड में से, और देखेंगे इतना अच्छा बन के आया है, इतना क्यूट लग रहा है ये बनने के बाद। बेबी का ये हाथ बहुत ही सुंदर लग रहा है, एक बहुत ही खास यादें इससे जुड़ गई। मन कर रहा होगा कि आप भी अपने बच्चों का जरूर बनाएं, फिर वो बच्चे चाहे बड़े हो गए हों या अभी छोटे हों, या आपके घर में कोई ऐसा खास मेंबर जिसका आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, खास लगा होगा, और आपका भी मन कर रहा होगा कि अपने बच्चों का कुछ ना कुछ इस तरह से बनाया जाए। बिल्कुल बनाइए, बच्चे चाहे बड़े हों या छोटे हों, आप इनमें से कोई भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, और बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।